हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सोलो लेवलिंग के पहले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो स्टैचू है वो उन लोगों को उस केव या डंजिन से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, चाहे वो कैरेक्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। उसके बाद सबको लगता है कि हम तो गए, लेकिन जैसा कि सीरीज का नेम है, अपना मेन कैरेक्टर सिचुएशन संभाल लेता है। उस केव में बहुत सारे स्टैचू थे, उन पर बहुत कुछ लिखा हुआ भी था। फर्स्ट रिवर्ड गॉड, सेकंड प्रेज गॉड, एंड थर्ड प्रूव योर फेथ टू गॉड। और जो कोई इन सारी बातों को फॉलो नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उन सारे लोगों में से पहला लॉ फॉलो करते ही सबकी हालत पतली हो जाती है। वो लॉ फॉलो करते ही वो स्टैचू हिलने लगते हैं। सेकंड रूल था प्रेज गॉड, जहाँ पर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाकर उस रूल को फॉलो कर सकते हैं। उस चक्कर में ये देखो क्या हालत होती है उनकी, क्या ही दिखाया है, वो भी बेहतरीन एनिमेशन के साथ। सेकंड लॉ फॉलो करते ही जमीन में से एक सेटअप निकलता है, जो कि गॉड के प्रत्ये अपनी फेथ प्रूव करने के लिए होता है। और गॉड के प्रत्ये फेथ हम कोई ट्रेजर या फिर सेक्रीफाइस करके प्रूव कर सकते हैं। उस वक्त सारे स्टैचू लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और डंजन का गेट भी ओपन हो जाता है बाहर जाने के लिए। स्टैचूज को अपनी तरफ बढ़ता देख कर ओपन हुए गेट से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, सिवाय अपने मेन कैरेक्टर की। अपने मेन कैरेक्टर को इतना टॉर्चर करते हैं कि क्या ही बताओ। बेचारे का पैर तो पहले ही काट दिया था, अब उसका हाथ भी उड़ा दिया। उतना सब होने के बावजूद भी अपना सोलो कैरेक्टर कहता है कि तुम में से एक को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। उसके बाद एक गेम का इंटरफेस आता है, जहाँ पर अपना सोलो कैरेक्टर यस पर क्लिक कर देता है और गेम चालू हो जाता है। एपिसोड 2 काफी गजब था, अमेजिंग था, और उसका जो एनिमेशन की क्वालिटी थी वो भी काफी बढ़िया और अमेजिंग थी। स्पेशली जब वो स्टैचू लोगों को मारते है, जब उस इंसान को बीच में से काट दिया था। ओवरऑल एपिसोड 2 मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मैंने सोचा नहीं था कि एपिसोड 2 में ऐसा होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज का दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए सोलो लेवलिंग। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the...